के गोवर्धन ब्लॉक पर किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिला। इसके साथ ही पुलिस के लोग कुर्सियों पर सोते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नाम की कोई चीज वहां नहीं दिखी। देशों में हुए चुनाव के बाद आज मतगणना का सिलसिला यहाँ पे जारी है। मैं हूँ इस समय पे गोवर्धन के डीएम और आप देख रहे हैं यहाँ पीछे की मतगणना शुरू है। पूरी तरीके से लाइन लगी हुई है प्रत्याशियों प्रत्याशी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की बात करें तो ऊपर डिस्टेंस की लगातार धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर यहाँ पे शासन प्रशासन की तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन पुलिस कर्मी कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर इधर भी दुकानदार अगर सामने भी चल रहा था पुलिस कर्मी आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं छाव में। अगर हम बात करें हमें प्रत्याशियों को लेकर प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, काम अड़ी से प्रधान प्रत्याशी से बात करूंगा। अड़ी से मतगणना बहुत ही शांति पूर्वक हो रही है और सोशल डिस्टेंस 1% भी नहीं है। और यहाँ पर इतने भी जो भी व्यवस्था करी थी प्रशासन ने शासन ने वो सुरक्षा 1% भी नहीं दिख रही है और कोविड-19 का तो 1% भी मैं यही शासन प्रशासन क्या मांग करेंगे आज रात इसे लेकर। आज भी यहाँ पर मतगणना होनी है, रात को भी होंगे, क्या शासन प्रशासन चाहेंगे जिससे कि यहाँ पर हमारे पास सोशल डिस्टेंस का पालन। मैं शासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि बढ़िया तरह से मतलब व्यवस्था रखे और व्यवस्था में ऐसा खल बखल नहीं करे जो ये हो रहा है इधर उधर, ना ही तो कोई ना कि एक पास एक लोगों उधर के बता रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। आगे थे मेरे साथ प्रत्याशी, उन्होंने कि शासन प्रशासन का साथ साथ उंगली उठाई, उनका कहना कि यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा। देखते हैं कि शासन प्रशासन इसका कुछ व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर पाएगा फिर, या इलेक्शन से लेकर अभी जो मतगणना चल रही है इसमें शासन की जो भी व्यवस्था चरमराती रही है ऐसे ही चरमराती रहेगी। डीएवी इंटर कॉलेज गोवर्धन से केंद्र पर्षद रवि उपाध्याय के साथ को देखिए सर। मथुरा के